अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना। आप देख रहे हैं इन सनास किचन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूं पिज़्ज़ा डो। नहायत ही आसान तरीके से बनने ये पिज़्ज़ा डो। इसी डो के साथ हम पिज़्ज़ा भी बनाएंगे, मफिन्स भी बनाएंगे, डिनर रोल सब कुछ इसी डो के साथ तैयार करेंगे। तैयार कर लेते हैं अपनी डो, जिसके लिए मेरे पास है 2 कप मैदा। मैंने आपको दिखाने के लिए कप साथ रखा है कि मैंने ये कप लिए, रेगुलर टी कप है। लोग अक्सर पूछते हैं कि कौन सा कप लिया, बड़े साइज़ का, छोटे साइज़ का, तो दिखाने के लिए कि ये कप है। ये मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, ये तकरीबन 300 ग्राम्स के करीब बनेगा मैदा। साथ में मेरे पास है 1/2 टेबल स्पून शुगर, 1/4 टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून मेरे पास है बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून मेरे पास है ईस्ट। पानी इतना गर्म है कि अगर मैं इसमें हाथ डाल रही हूँ तो मुझे बस हल्का सा पानी गर्म फील हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं है। आपने ज़्यादा तेज़ गर्म देना भी नहीं है। तैयार कर लेते अपनी डो। डो में मैं डाल दूंगी चीनी, नमक, बेकिंग पाउडर, ईस्ट। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अक्सर लोगों का खमीर इसलिए नहीं बनता है कि पानी तो हम गर्म ले लेते हैं, लेकिन मैदा या बेकिंग पाउडर, ईस्ट वगैरह हमने कुछ फ्रिज में रखा होता है। मैदा, बेकिंग पाउडर, ईस्ट, कोई भी चीज़ फ्रिज में रखी हुई नहीं लेनी है, आपने रूम टेम्परेचर की चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अच्छे से मिक्स हो गया, इसे हल्के नीम गर्म पानी से भून देंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ ना डाल दें। डो को हम शेल्फ पे निकाल लेंगे किसी साफ जगह पर, और इसे बहुत अच्छे तरीके से हमें भूनना है जब तक ये अच्छे से बाइंड नहीं हो जाती और हाथ से उतर नहीं जाती। मुझे डो को भूनते हुए 8 से 10 मिनट तकरीबन हो गए और डो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं अब ये हाथों को भी चिपकना बंद हो गई है और इसने शेल्फ भी छोड़ दी है। डो हमारी तैयार है, हम उसी बाउल में वापस डाल देते हैं जिस बाउल में हमने आटा तैयार किया था। पिज़्ज़ा डो तैयार है, मैंने इसे ऑयल के साथ ऊपर से ग्रीस कर दिया है ताकि इसमें इजाफी एयर अंदर ना जाए, जो ईस्ट है वो अपना काम करे। अब इसके लिए मुझे क्या करना है कि मैंने एक बड़े साइज़ का बैग लिया है, उसमें बाउल को रखा है और ऊपर से इसको नॉट लगा दिया है। इस तरह से आपका खमीर जल्दी तैयार हो जाएगा। 15 से 20 मिनट में पिज़्ज़ा डो तैयार हो जाएगी। 15 से 20 मिनट हो गए डो को रखे हुए, जो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार है पिज़्ज़ा डो तैयार है। इंशाल्लाह इसी डो के साथ मैं आपको पिज़्ज़ा और डिनर रोल, बाकी तमाम चीज़ें भी बनाना सिखाऊंगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको ये पिज़्ज़ा डो की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी और आसान लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।